जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप खास प्रोग्राम देख रहे हैं, अब की बार किसकी सरकार, भाजपा 400 पर। हमारे साथ अविरल मलिक जी हैं जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार जो है क्या गणित कहता है आपका, किसकी सरकार आ रही है और कितने बार आ रही है? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की आ रही है, सबको नजर आ रहा है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर जनता के लिए कार्य किया गया, वो भी सबको नजर आ रहा है। हमने जिस प्रकार से योजनाएं चलाई, उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता को हुआ। जनता के मध्य में लगातार हम रहते हैं, जनता के मध्य में रहते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है। और जिस प्रकार से निरंतर हमारे द्वारा कार्य किया गया, वो भी सबको नजर आ रहा है। विकास की आप बात कर लीजिए, और उसके साथ साथ जो एक और हमारी उपलब्धियां नजर आ रही हैं, दूसरी ओर उनके 7 सालों के घोटाले नजर आ रहे हैं। एक और हमारी उपलब्धियां हैं, हमारे विकास कार्य हैं, दूसरी ओर उनके भ्रष्टाचार कार्य हैं। भ्रष्टाचार को जिन्होंने बढ़ावा दिया, वो कौन लोग हैं, ये सबको नजर आ रहा है। भाजपा का सबसे खास जो है एजेंडा, जनता को कौन सा पसंद आ रहा है, क्योंकि आप तो जनता के बीच में रहे, क्या पसंद आया? 370 राम मंदिर या गुंडा जो है राजमुक्त जो आपका जो शासन है वो पसंद आया, भ्रष्टाचारियों को जेल में बंद कर रहे हैं वो पसंद आया, जनता को क्या रास आ रहा है जिसको लेकर के भाजपा की तरफ लगातार जनता खींची आ रही? पहली बार 200 पार, फिर 300 पार, और इसके बाद जो है 400 पार का जो है नारा जो है आपके द्वारा जो दिया जा रहा है, 2 बार तो जनता ने पूरा किया है, तीसरी बार क्या लग रहा है? इस बार कुछ अटकलें भी लग रही है। देखिए, हम कह रहे हैं 400 पार, लेकिन जनता की ओर से आवाज आ रही है कि अब की बार 500 पार। और 500 पार किस आधार पर, किस हिसाब से, आपको मैं बता देता हूं। दंगाइयों पर हमने कार्रवाई की, माफियाओं पर हमने कार्रवाई की, भ्रष्टाचारियों पर हमने कार्रवाई की। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य किया, जातिवाद के खिलाफ कार्य किया, परिवारवाद के खिलाफ कार्य किया। हम जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग नहीं है, जातिवादी, परिवारवादी और भ्रष्टाचारी लोग केवल और केवल इंडी गठबंधन में मौजूद है, ये सबको मालूम है। हमने विकास कार्य किए हैं, हमारा विकास नजर आ रहा है। हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाई है, स्वच्छ भारत अभियान को हमारे द्वारा जिस प्रकार से चलाया गया, वो सबको नजर आ रहा है। आयुष्मान भारत की आप बात कर लीजिए, नोटबंदी की आप बात कर लीजिए, GST की आप बात कर लीजिए, बेनामी संपत्ति एक्ट की आप बात कर लीजिए, ये हमारी उपलब्धियां हैं, ये हमारी योजनाएं हैं। हमने मुद्रा लोन की बात की, मुद्रा योजना हमारे द्वारा जिस प्रकार से चलाई गई, उज्ज्वला योजना चलाई गई, सौभाग्य योजना चलाई गई, सुरक्षा बीमा योजना चलाई गई, तो ये सबको मालूम है, जनता सब देख रही है। हमने चीन और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, जल शक्ति मंत्रालय का गठन हमारे द्वारा किया गया। हमने नमामि गंगे की बात की, हमने बेटी बचाओ की बात की, नारी सशक्तिकरण की हमने बात की, महिला सुरक्षा की हमने बात की, ये सबको मालूम है। हमने सॉयल हेल्थ कार्ड चलाने का कार्य किया, सॉयल हेल्थ कार्ड की स्कीम किसानों के हित में हमारे द्वारा चलाई गई, किसानों के हित में हमने किसान सम्मान निधि की बात की, नीम कोटेड यूरिया की बात हमारे द्वारा की गई। उसके साथ साथ विश्वकर्मा योजना की आप बात कर लीजिए, एयर स्ट्राइक की आप बात कर लीजिए, 3 तलाक की आप बात कर लीजिए, 3 तलाक बिल हमारे द्वारा जिस प्रकार से लाया गया, 370/35 को किस प्रकार से हमारे द्वारा हटाया गया, ये सबको मालूम है। और 370/35 को हटाने का विरोध किन लोगों ने किया, ये भी सबको मालूम है। तो जनता ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का निश्चित रूप से कार्य करेगी, ये सबको मालूम है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की आप बात कर लीजिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की आप बात कर लीजिए, ये हमारी उपलब्धियां हैं। एक और हमारी उपलब्धियां हैं, तो जनता इस पर विश्वास कर रही है, जनता प्रसन्न है, जनता को हम पर भरोसा है, और वो आपको नजर आ जाएगा। 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण होना तय है, इस बात को आप जान लीजिए। 4 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा, 4 जून को 2 बजे कांग्रेस मुक्त भारत के निर्माण की घोषणा आपके चैनल पर आकर ही मैं करूंगा, इस बात को आप समझ लीजिए। विपक्ष आरोप आपके ऊपर लगा रहा है कि आपने देश बेच दिया, लाल किला बेच दिया, ताजमहल बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बस बेच दिया, ट्रक बेच दिया, पेट्रोल पंप बेच दिए, संस्थाएं बेच दी, यूनिवर्सिटी बेच दी, आपने देश में कुछ नहीं रखा, आपने सारा कुछ बेच दिया। जी चलिए मैं बताता हूं, उन्होंने क्या बेच दिया, क्या खा लिया, क्या घपला कर लिया। यही यूपीए के लोग हैं, यही इंडी गठबंधन के लोग हैं, जिन्होंने 12 लाख करोड़ से अधिक के घोटाले घपले किए, सबको मालूम है।
और उसके साथ साथ इन्होंने बोफोर्स घोटाला किया, सत्यम घोटाला किया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला किया, ये 2G 3G वाले लोग हैं। कॉमनवेल्थ घोटाले पर विशेष रूप से इन्हें बोलना चाहिए, ये नहीं बोलते हैं। ये कोयला घोटाले पर नहीं बोलते, ये वोट के बदले नोट के घोटाले पर नहीं बोलते। और जिस प्रकार से अगर ये नहीं बोलेंगे तो चारा घोटाले के विषय में नहीं बोलेंगे, चारा घोटाला इन्हें नजर नहीं आता है। गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का घोटाला इन्हें नजर नहीं आता, हर्षद मेहता शेयर घोटाला इन्हें नजर नहीं आता। ये बहुत दुख की बात है, इन्हें इस विषय पर भी बोलना चाहिए, इन विषयों को भी इन्हें याद करना चाहिए। इन्हें पालघर के विषय पर बोलना चाहिए, पालघर में जिस प्रकार से संतों की निर्मम हत्या हुई, कन्हैया लाल टेलर के विषय पर बोलना चाहिए, संदेश खाली के विषय पर बोलना चाहिए, कश्मीरी पंडितों के विषय पर बोलना चाहिए, टीका लाल टपलू जी के विषय पर बोलना चाहिए। आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? इन्हें इमरजेंसी के मुद्दे पर बोलना चाहिए, इमरजेंसी के मुद्दे को ये क्यों भूल रहे हैं? इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की, कानून की हत्या की, इमरजेंसी लगाने का कार्य किया। इमरजेंसी 1975 से 1977 के मध्य में लगाई, इमरजेंसी के दौरान तमाम विपक्षी नेताओं को जबरन जेल में ठूंस दिया गया, उसके साथ साथ लोकतंत्र की किस प्रकार से उस दौर में हत्या की गई थी, जुडिशियरी को अपने हाथ में लिया गया था, प्रेस की बिजली काट दी गई थी, ये सबको मालूम है। ये लोग हमें पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा है। जी, आपके शासन में कहा गया कि 300-400 में सिलेंडर कांग्रेस दे रही थी और आपने जो है 1100 रुपए कर दिया। उनके शासन काल में जो है 380 रुपए था, आपने 250 रुपए कर दिया। इसी तरह से महंगाई की एक बहुत अच्छी खासी जो है एक लिस्ट बनाई है कांग्रेस ने, और जो कहा है कि आपने तो सब कुछ महंगा कर दिया है, जीना मुहाल हो गया है आम आदमी का। आखिर क्यों महंगाई पर नियंत्रण जो है भाजपा सरकार 10 सालों में नहीं कर पाई? देखिए, महंगाई पर नियंत्रण है, और दूसरी बात, आपने सिलेंडर की बात की विशेष रूप से, तो सिलेंडर 900 रुपए का अगर आप खरीद लेंगे तो क्या दिक्कत आ जाएगी? ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, ये रेणुका चौधरी का स्टेटमेंट है, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है। उस समय जब इनकी सरकार हुआ करती थी, उस समय प्रेस को इंटरव्यू देते हुए, बाइट देते हुए इन्होंने इस बात को कहा था कि अगर 900 रुपए का सिलेंडर खरीद लेंगे तो क्या समस्या आ जाएगी। ये हमारा स्टेटमेंट नहीं है, रेणुका जी का स्टेटमेंट है, इस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। जी, साथ ही ये कहा जा रहा है कि आपने देश के संस्थाओं के साथ खिलवाड़ भी किया है, आरोप भी है, भ्रष्टाचार भी हो रहा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ रहा है। आप जो ईडी का और जो एजेंसियों का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, वो आप जो है कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए कर रहे हैं। और साथ ही कपिल सिब्बल जो आतंकियों के केस लड़ने वाले वकील हैं, उन्होंने भी आपके ऊपर हमला बोला है कि किसी भी संस्था पर विश्वास नहीं किया जा सकता है इस देश की। इतना माहौल भारतीय जनता पार्टी ने खराब कर दिया है देश के अंदर, प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, इनके पास कोई एविडेंस हो, कोई फैक्ट हो तो ये सामने लाएं, पब्लिक डोमेन में रखें, और ये आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ गठबंधन कर लेते हैं। दूसरी ओर 2013 का अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट है कि शीला दीक्षित के घर में 10 AC लगे हुए हैं, उन 10 AC का बिजली का बिल कौन भर रहा है? दिल्ली की जनता के पैसे से, दिल्ली के टैक्सपेयर के पैसे से इस AC का बिल जाता है, ये जो 10 AC शीला दीक्षित के घर में लगे हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल जी का वर्ष 2013 का। उसके बावजूद भी ये कांग्रेस गठबंधन करती है आम आदमी पार्टी के साथ, ये कितने बेशर्म लोग हैं, इन्हें उत्तर देना चाहिए इस बात का। आखिर किस बेशर्मी के साथ इन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन किया, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया, और अगर किया तो क्यों किया, इस बात को स्पष्ट करें। अरविंद केजरीवाल की राजनीति शुरू जिस प्रकार से शीला दीक्षित का विरोध करते करते हुई थी, और आज ये दोनों एक साथ मिलकर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत दुखद बात है। जनता सब देख रही है, वोटर सब देख रहा है। इंडिया 300 का नारा लगाया जा रहा है, कहा ये जा रहा है कि इस बार हमारी सरकार जो है पूरी तरह से आ रही है, हम सरकार जो है बना रहे हैं, हम जनता को साल में 1 लाख देंगे, कहीं कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष महिलाओं को पैसा देंगे, 1 लाख रुपए लखपति बना देंगे। तो अब इस देश में जो है 15 लाख मोदी जी ने नहीं दिए हैं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन हम हर साल 1 लाख रुपए देंगे, कोई काम करने की जरूरत नहीं अगर कांग्रेस की सरकार आती है। क्या सच्चाई है इसमें, क्या क्यों क्या बरगलाया जा रहा है, या वास्तव में कांग्रेस हर साल 1 लाख रुपए सभी को देने वाली है?
देखिए खटाखट गरीबी हटाने वाले लोग हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, तो 1971 में इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, तो इंदिरा जी गरीबी हटाती रही, उसके बाद राजीव जी गरीबी हटाते रहे, उसके बाद सोनिया जी गरीबी हटाती रही, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की दो सरकारें रही, मनमोहन सिंह जी गरीबी हटाते रहे, अब ये राहुल गांधी आए हैं गरीबी हटाने के लिए, तो ये राहुल जी कौन सी गरीबी हटा रहे हैं ये स्पष्ट करें। लगातार ये गरीबी हटाते आ रहे हैं और ये कैसी गरीबी है, ये हट नहीं रही है, जनता सब समझ रही है, ये जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कृपया करके ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि वोटर सब जानता है, इनके बेवकूफ बनाने से वोटर बेवकूफ नहीं बन जाएगा, वोटर को सब मालूम है आज इकोनॉमिक कंडीशन क्या है इस देश की, इस बात को जानना चाहिए किस प्रकार से लगातार इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, ये इकोनॉमी के विषय पर डिबेट नहीं करेंगे, ये चर्चा नहीं करेंगे विकास के मुद्दे पर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, रेलवे सेक्टर किस प्रकार से प्रगति कर रहा है इस विषय पर ये चर्चा नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर किस प्रकार से प्रगति कर रहा है इस विषय पर ये चर्चा नहीं करेंगे, हेल्थ सेक्टर किस प्रकार से प्रगति कर रहा है ये इस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, तो आखिर ये चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं। आज देश का डेवलपमेंट हो रहा है, चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, इसीलिए ये सब घबराए हुए हैं। उनके जो मुद्दे हैं उनके साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि संविधान बचाने के लिए, नफरत मिटाने के लिए, भेदभाव खत्म करने के लिए हम जो है कांग्रेस ला रहे हैं और कांग्रेस की सरकार इसके लिए बेहद जरूरी है, महंगाई रोकने के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भी जो है कांग्रेस की सरकार बहुत जरूरी है, किसानों के न्याय के लिए जो न्याय यात्रा निकाली गई और उसके साथ ही मजदूरों के हक के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए जो है कांग्रेस की सरकार बहुत जरूरी है, अगर कांग्रेस की सरकार आप बनाएंगे तो 30 लाख लोगों को वे रोजगार दे दिया जाएगा, हक और न्याय के लिए, मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए और सबको साथ लेकर के चलने के लिए कांग्रेस सरकार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर जैसी योजना को बंद हम कर देंगे, इसको बंद करने के लिए कांग्रेस को ही वोट दें। जी देखिए बिना सिर पैर की बात कर रहे हैं, इनके पास कोई लॉजिक किसी भी प्रकार का मौजूद नहीं है और ये बहुत दुखद बात है, इन्हें धीरज साहू के विषय पर बात करनी चाहिए, जो धीरज साहू के घर में काला धन पकड़ा गया था उस विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, हसन अली के हवाले घोटाले पर इन्हें बोलना चाहिए, सबमरीन के घोटाले पर इन्हें बोलना चाहिए, पालघर के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए, मधुकोड़ा के घोटाले पर इन्हें बोलना चाहिए, आईपीएल के घोटाले पर इन्हें बोलना चाहिए, आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, ये क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, आखिर जनता इनसे जवाब मांग रही है, जनता जानना चाहती है भ्रष्टाचार के पीछे क्या राज है। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि शहरी मजदूरों के लिए रोजगार की कोई गारंटी भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास नहीं है और न तो उन्होंने कोई गारंटी दी है, शहरी मजदूरों के लिए जो रोजगार की गारंटी है वो कांग्रेस पार्टी ला रही है, ये भी उन्होंने कहा है, गिग श्रमिकों के जो अधिकार हैं उनको संरक्षित करने और सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई कानून या जो है नहीं बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन गिग श्रमिकों के अधिकारों के लिए, संरक्षित करने के लिए और उनको सुरक्षा देने के लिए कानून जो है लाएगी अगर कांग्रेस जो है केंद्र में आती है तो, उन्होंने भी बताया। महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन कांग्रेस की सरकार महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ये भी उन्होंने अपने जो है घोषणा पत्र में कहा है। जी नहीं देखिए महिलाओं के विषय पर बात ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि इन्हें सबसे पहले संदेश खाली के विषय पर बोलना चाहिए, संदेश खाली के विषय पर आखिर ये क्यों नहीं बोल रहे हैं, जनता ये जानना चाहती है, ये बंगाल के विषय पर आखिर क्यों नहीं बोल रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, कानून का राज बंगाल में समाप्त हो चुका है, ममता बनर्जी के शासन में कानून का राज, संविधान का राज समाप्त हो चुका है, तो उस विषय पर इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए, आखिर ये क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जी उन्होंने और मुद्दे में जो है कहा है, हम आपको बता रहे हैं, बड़ी तादाद में बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, कि 25 करोड़ लोगों को राशन भी दिया जा रहा है लेकिन कुपोषण अभी जारी है, मिड डे मील योजना का विस्तार हम करेंगे, 12वीं कक्षा तक मिड डे मील हम लाएंगे, उन्होंने जो है ये बताया है, और कि कांग्रेस की सरकार आती है तो केवल 76% बच्चों का पूर्ण टीकाकरण हुआ है, हम 100% टीकाकरण जो है करवाएंगे, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं और मेडिकल कॉलेजों में बड़ी तादाद में जो पद खाली पड़े हैं उनको भी भरा जाएगा, 3 साल के अंदर जो है पूरी भर्ती कर दी जाएगी, चल चल
जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जो हॉस्पिटल है वहां जर्जर है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल की स्थापना जो है की जाएगी, और साथ ही किसानों के कर्ज माफी के लिए कोर्ट में ये भी अपील की जा रही है कि किसानों का पूरी तरह से जो है कर्ज माफ किया जाएगा, चाहे 1 लाख हो चाहे 10 लाख। देखिए, एक और हम स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, महिला ई हाट की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, विकसित भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, स्किल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं और झूठे वादे कर रहे हैं। जो इन्हें करना था ये कर सकते थे, 60 साल तक इस देश में इन्हीं की सरकार रही, इन्हें जो इंप्लीमेंट करना था जो करना चाहते थे वो कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने घोटाले किए, इन्होंने करप्शन को बढ़ावा दिया। आखिर इन्होंने करप्शन को क्यों बढ़ावा दिया, इस बात का इन्हें उत्तर देना पड़ेगा। जनता ये जानना चाहती है, इस बात का उत्तर दो। 20 से 24 साल के जो युवा है उनमें बेरोजगारी की दर 44.49% है वर्तमान समय में। उसी को लेकर के कांग्रेस कहती है कि अगर हम आए तो 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष हम जो है बेरोजगारों को देंगे। ये तो उन्होंने वादा किया है कि कांग्रेस की सरकार कराती है। पिछले 7 वर्षों में 70 से अधिक पेपर लीक हुए हैं, इसको लेकर के हम कानून बनाएंगे और जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। फास्ट ट्रैक की स्थापना होगी, अदालतों में जो है ये लंबित नहीं ज्यादा दिन तक रहेंगे। जो 30 लाख पद जो सरकारी खाली है वो हम आते ही भर देंगे उनको। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी पदों के लिए आवेदन शुल्क के नाम पर जो वसूली की जा रही है, जो सरकारी पद जो देने के लिए आवेदन शुल्क, इसकी शुरुआत तो हालांकि कांग्रेस ने की थी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ये निःशुल्क जो है शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ये नहीं उन्होंने खुलासा किया है कि सवर्णों के लिए समाप्त किया जाएगा, मुस्लिमों के लिए समाप्त किया जाएगा, या फिर वो जो है जो दलित और शूद्र और वंचित और शोषित जो बार बार चिल्लाया जाता है उनके लिए जो है फ्री किया जाएगा, लेकिन निःशुल्क के बाद जो है। इसमें कितनी सच्चाई लग रही है कि क्या ये ब्रह्ममाला जो है इनका घोषणा पत्र नहीं है, इस देश को जो है भरखड़ाएगा, हम आपकी जमीनें बांट देंगे, हम आपकी जायदाद बांट देंगे, हम आपका ये बांट देंगे, हम आपका वो बांट देंगे, ऊंची जातियों के पास जो भी है नेम सरनेम जाति पैसा जो है वो सब हम बांट देंगे, मुसलमानों के बीच में, दलित और शोषित वंचितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, ये क्या है, कहां समानता है, इसको लेकर के जो है आपका रुख क्या है जी। देखो, एक और हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, एक और हम विकास की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर ये झूठे वादे कर रहे हैं और जनता सब समझ रही है, जनता सब जानती है, जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी वोट की चोट करके इन चुनावों में। इस बात को इन्हें समझ लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अब की बार 500 पार जा रहा है, ये जनता कह रही है। और यूपीए की जहां तक बात है तो यूपीए 30 सीटों के अंदर अंदर सिमट कर रह जाएगा, इंडी गठबंधन 30 सीटों के अंदर अंदर सिमट कर रह जाएगा, इस बात को जान लेना चाहिए। राहुल गांधी की भी जमानत जब्त होना तय है। भाजपा हर बड़ा मुद्दा बना देती है। अरविंद केजरीवाल से मिलने अगर उनकी पत्नी जाती है 30 से 35 लाख की गाड़ी में, तो क्या पता वो टैक्सी हो या फिर किराए की हो, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया कि उनकी ही कार है। इसको लेकर के जिस प्रकार से काफिलों में घूमते हैं वो सबको मालूम है। ये कहते थे सुरक्षा नहीं लूंगा से Z+ ले लेते हैं, तो ये सब जानते हैं। इस विषय पर इन्हें स्पष्टीकरण आखिर देना चाहिए, आखिर ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे, ये भी जनता जानना चाहती है जी। लेकिन जिस तरह गला फाड़ करके राहुल गांधी जी आज चिल्ला रहे हैं कि वो रेपिस्ट है, उसका समर्थन नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, संदेश खाली पर इतना मौन कैसे रह सकता है ये। और जिस तरह की गालियां भद्रभाषा और जितनी गालियां निकाल सकते हैं उतनी गालियां जो है ये भावी प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक तरह से कहा जाए, इंडिया मतलब गठबंधन के अध्यक्ष भी हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो बने घूम रहे हैं, तो इतनी क्या भद्रभाषा एक प्रधानमंत्री के लिए शोभित जो है देती है, शोभा को देती है जिस तरह से ये कर रहे हैं जी। नहीं, ये बहुत दुखद विषय है, इस प्रकार की भाषा का इनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, ये बहुत दुखद है। जनता देख रही है, इन्हें मर्यादा में रहकर बोलना चाहिए और संसदीय भाषा का ही इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी ने एक और बड़ा सवाल किया कि भारत माता कौन है, इसका जवाब जो है भारतीय जनता पार्टी दे। आखिर जो दिन रात चिल्लाते रहते हैं
लेकिन उसका जवाब हमारी तरफ से भी दिया गया, भारत माता को लेकर के तो जो आपका पूछना है तो आर्मी वालों के जो है हवाले इनको कर दिया जाए, पता चल जाएगा भारत माता कौन है। आप कैसे देखते हैं, इनको क्या आप जवाब देना चाहेंगे कि भारत माता कौन है? कौन गांधी जी को पता नहीं है, विदेश में पड़े हैं बेचारे, तो भारत माता के बारे में नहीं जानते, क्या कहेंगे आप? देखिए वो जनता सब जानती है, जनता इस बार इन्हें समझा देगी कि क्या है, कौन है, कैसे हैं, वो सब समझा देगी वोट की चोट करके। जब जनता समझाएगी तो इन्हें सब समझ में आ जाएगा। ये जिस प्रकार से अपमान करने का कार्य कर रहे हैं भारत माता का, हिंदुस्तान का, वो बहुत दुखद है। जी ओके, धन्यवाद। आप जो है जुड़े और आपने जो है बहुत सारे मुद्दों पर भी बातचीत की, भाजपा के एजेंडों पर भी बात की, और हमेशा की तरह वही कि कांग्रेस मुक्त तो इस बार जो है हम करके रहेंगे। हालांकि दो बार तो आपका प्रयास पूरा विफल रहा है, इस बार शायद आप सफल हों। तो हमारे साथ में थे भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता सविराज मलिक जी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।